तो क्या आपको मालूम है कि डार्क वेब की दुनिया ही पेपर लीक की दुनिया है? यहीं पर परीक्षा के पेपर खरीदे और बेचे जाते हैं। डार्क डीप वेब की दुनिया कैसे काम करती है, इसी की पड़ताल करती हमारी ये खास रिपोर्ट। जब हम स्पष्ट हो गए कि वो डार्क नेट में जो क्वेश्चन है वो यूजीसी नेट की ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ मिलता है, तत्क्षणात हम लोगों ने निर्णय किया इसके ऊपर एक उच्च स्तरीय अनुसंधान और सीबीआई इंक्वायरी हो। ये बयान है देश के शिक्षा मंत्री का नेट की परीक्षा को रद्द करने के फैसले पर। धर्मेंद्र प्रधान बता रहे हैं कि डार्क नेट पर नेट परीक्षा का पेपर लीक हो गया, जिस वजह से इसे रद्द कर दिया गया। ये वो परीक्षा थी जो 18 जून को आयोजित की गई और 19 जून को इसे रद्द करना पड़ा। अब सीबीआई जांच भी हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, वो है डार्क नेट। आखिर क्या है ये डार्क नेट जो लगातार खतरा बढ़ा रहा है? डार्क इंटरनेट की दुनिया को समझना जरूरी है। ये वो दुनिया है जो आपको हमें नहीं दिखती, लेकिन दुनिया के तमाम अपराध, जालसाजी, ड्रग्स का कारोबार, सब कुछ इसी डार्क इंटरनेट के जरिए हो रहा है। छियानवे फीसदी इंटरनेट डीप डार्क इंटरनेट का हिस्सा है। हम सिर्फ 4% इंटरनेट कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे सरफेस वेब कहते हैं। टोर ब्राउजर का इस्तेमाल कर डार्क वेब तक पहुंचा जाता है। डार्क इंटरनेट की दुनिया में ड्रग्स, हथियार, चाइल्ड पॉर्न सहित कई सारे अपराध एक क्लिक दूर हैं। डार्क वेब अनियन रूटिंग तकनीक पर काम करता है। अनियन रूटिंग डार्क वेब को निगरानी से बचाता है। ये डार्क वेब को कई जगहों पर रूट रीरूट कर देता है, जिस वजह से प्रिवेसी बनी रहती है। तो ये कई आईपी एड्रेस को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करता है, इस वजह से इसे ट्रैक करना आसान नहीं है। किसी भी तरह की वसूली के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल यहाँ होता है, इस कारण भी पहुंचना मुश्किल होता है। देखो, डार्क वेब जो है, जिसमें आप अक्सर ये चीजें खरीदी और बेची जाती है इसके मार्केट प्लेस पे, वो है जहां पे आपको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, जहां बिकॉज वहां डिटेक्शन नहीं है, वहां लॉ एनफोर्समेंट की पहुंच नहीं है, इसीलिए डार्क वेब में बिकॉज जो बेचता है और उसको पकड़ा नहीं जा सकता। दूसरी चीज जो इसकी करेंसी है वो है बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी, तो करेंसी को भी ट्रेस नहीं कर सकते, इसीलिए ये डार्क वेब में क्वेश्चंस की और जितने भी मेडिसिन की, ड्रग्स की इलीगल खरीद फरोख्त के मामले काफी सारे बढ़ चुके हैं भारत के हर एक स्टेट में। डार्क वेब पर स्कैम ही स्कैम होते हैं, ये धोखाधड़ी का अड्डा है और अब पेपर लीक करने वालों के लिए एक सुरक्षित जगह बनता जा रहा है। क्या इस पर रोक लग सकती है? देखिए, डार्क वेब जो है उसे जैसे हम स्पाइंग करते हैं, मतलब हमारे यहाँ पे अगर आप देखो कि अपने समाज में काफी सारे स्पाइज होते हैं, जो गुप्तहेर होते हैं वो होते हैं, वैसे ही भारत सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को चाहिए कि अपने गुप्तहेर, अपने साइबर स्पाइज की जो प्रत्यारोपण है इनका, वो इस डार्क वेब के ये मार्केट प्लेसेस में होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पुलिस वाले हैं, जो टेक्निकल पुलिस है अपनी, उनके लोग सामान्य खरीदार बन के इस डार्क वेब में इनका प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमें आगे आने वाला खतरा भी मालूम पड़ेगा, बिकॉज डार्क वेब में अक्सर पता चलता है कौन क्या खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है, और ऐसे जो लीक हो गए वो तुरंत हमें पता चलेगा। अभी भी आप देखिए 48 आवर्स में ये सेम क्वेश्चन जब मालूम पड़ा हमें, तो हमको ये एग्जाम बंद करनी पड़ी थी, मतलब वापस लेना पड़ा। तो ऐसा जब लीक होता है, क्योंकि डार्क वेब में जो खरीदार होता है उसे पकड़ने के लिए काफी समय लग जाता है, जब तक आप कोई उसे, जो खरीदार बेचने वाला है उसके पास एक्चुअल खरीदार नहीं जाता, और फिर हम खरीदार से बात करके उसका चेन ऑफ इवेंट्स नहीं लेते, ट्रायल मतलब जो ट्रेल होता है वो नहीं लेते, तब तक हम इन बेचने वालों को पकड़ नहीं सकते। पेपर लीक गैंग को खत्म करने के तमाम दावों के बावजूद
उसका जाल फैलता जा रहा है। अभी तक इंटरनेट या दूसरे माध्यमों के जरिए पेपर लीक के रैकेट तक पहुंचा जा रहा था, लेकिन डार्क वेब जैसी दुनिया ने मुश्किलें बढ़ाई हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि इससे निपटने का रास्ता भी निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।